निजामुद्दीन मरकज में शामिल कोरोना संदिग्धों की हरकतों ने दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और कानपुर तक मेडिकल स्टाफ को परेशान करके रख दिया है। दिल्ली के नरेला आइसोलेशन सेंटर में तो इन बदसलूक जमातियों से निपटने के लिए आर्मी टीम को बुलाया गया है, वहीं गाजियाबाद में ऐसे जमातियों के लिए जेल में ही आइसोलेशन सेंटर बनाने का विचार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन के सीधे निर्देश दे दिए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि बदसलूकी करने वालों पर रासुका भी लगाया जा सकता है। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में इन कोरोना संदिग्ध जमातियों ने सारी हदें लांघ दी। नर्सों और डॉक्टरों से बदसलूकी के बाद अब इनको जेल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाकर भर्ती करने पर बात चल रही है। गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर एन के गुप्ता ने बताया कि जमातियों के हंगामा करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है, साथ ही पुलिस और जेल प्रशासन से जेल में वार्ड बनवाने पर बात चल रही है। हालांकि ऐसे उपद्रवियों को जेल भेजने में भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये लोग वहां रह रहे कैदियों को कोरोना के खतरे में डाल सकते हैं। जमातियों के व्यवहार से अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से परेशान हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जमाती आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और नर्सों की मौजूदगी में ही अपने कपड़े उतार देते हैं, जबकि कपड़े बदलने के लिए वार्ड में बाथरूम अलग से बना हुआ है। ऐसा करने से मना करने पर वह नर्सों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में सीएमओ से शिकायत की है। सीएमओ का कहना है कि पुलिस को मामले में सूचना दे दी गई है, यदि वो लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक बदसलूकी की घटना के बाद सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में जमातियों की देखरेख के लिए किसी महिला को तैनात ना किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह इंदौर जैसी घटनाएं यूपी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला एमएमजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जमातियों के हंगामे की सूचना के बाद वार्ड के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। अस्पताल के सीएमएमएस डॉक्टर रविंद्र राणा ने बताया है कि मरीजों के परिवार वालों से उनके दुर्व्यवहार के बारे में सुधार लाने को जब कहा गया तो उनके परिवार वालों ने भी अभद्रता की। अगर आगे भी ये लोग बदतमीजी करेंगे तो इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी 100%।